नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम जिस खबर को दिखाने वाले हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर एक शख्स ने किया जानलेवा हमला। सोशल मीडिया पर इस समय सीएम नीतीश कुमार पर हुए बख्तियारपुर में हमले का तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल एक बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है बल्कि लापरवाह कानून व्यवस्था का है। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार पर हमला करने वाला शख्स शंकर वर्मा है, उम्र 32 साल है या लड़का बख्तियारपुर के मोहम्मदपुर में रहता है। लोगों का कहना है कि शंकर वर्मा का पिता का नाम श्याम सुंदर वर्मा है। परिवार वाले का कहना है कि शंकर वर्मा 2 वर्ष पहले छत से गिर गया था, तब से लेकर अब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहता। आरोपी शंकर वर्मा की पत्नी इसी कारण उसे छोड़कर चली गई। किंतु एक सवाल में भी बनता है, सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में इतने सारे लोग मंच पर मंचा सिलके तौर पर होंगे, उसमें वो शख्स केवल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पर ही क्यों हमला किया और खास सुरक्षा में लगे तमाम सुरक्षा कर्मियों की पोल खोल दिया। वहीं इस घटना के बाद बख्तियारपुर आवास पर बख्तियारपुर के लोगों द्वारा घटना की निंदा करते हुए नीतीश कुमार से माफी भी मांग आ गया और बिहार के मुखिया कुमार ने इस घटना पर माफी भी दिया। खबरों को आप अपनी आँखों से देखें। नीतीश कुमार के जे अच्छा बताइए तो नीतीश कुमार